ये कुछ भी रिकॉर्ड नहीं करवा सकते जब तक उसे आनी ना हो जाए। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू मेरे भाई और दोस्तों, ये आशूरा बड़ा ही मोहतम निशान और अजमत का दिन है। तारीख के अजीम वाकयात इससे जुड़े हुए हैं। आशूरा ने आसमान ज़मीन कलम और हज़रत आदम अलैहिस्सलाम को पैदा फरमाया। इसी दिन हज़रत आदम अलैहिस्सलाम की तौबा कबूल हुई और इसी दिन हज़रत इदरीस अलैहिस्सलाम को आसमान पर उठाया गया। इसी दिन हज़रत नूह अलैहिस्सलाम की किश्ती हौलनाक सैलाब से महफूज होकर कोहे जूदी पर लंगरानदाज हुई। इसी दिन हज़रत इब्राहिम अलैहिस्सलाम को खलीलुल्लाह बनाया गया और उन पर आग गुली गुलजार हुई। इसी दिन हज़रत इस्माइल अलैहिस्सलाम की पैदाइश हुई। इसी दिन हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम को कैदखाने से रिहाई नसीब हुई और मिस्र की हुकूमत मिली। इसी दिन हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम की हज़रत याकूब अलैहिस्सलाम से एक तवील अरसे के बाद मुलाकात हुई। इसी दिन हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम और इनकी कौम बनी इसराइल को फिरौन के जुल्म व सितम से निजात हासिल हो गई थी। इसी दिन हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम पर तौरात नाज़िल हुई और इसी दिन हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम को बादशाहत वापस मिली थी। इसी दिन हज़रत अय्यूब अलैहिस्सलाम को सख्त बीमारी से शिफा नसीब हुई थी। इसी दिन हज़रत यूनुस अलैहिस्सलाम 40 रोज मछली के पेट में रहने के बाद निकाले गए। इसी दिन हज़रत यूनुस अलैहिस्सलाम की कौम की तौबा कबूल हुई और इनके ऊपर से आज़ाब वापस चली गई। इसी दिन हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम की पैदाइश हुई थी और इसी दिन हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम को यहूदियों की शर से निजात दिलाकर आसमान पर उठाया गया था। इसी दिन दुनिया में पहली बार आने रहमत नाजिल हुई थी और इसी दिन कुरैश खानकाब पर नया गिलाफ डालते थे। इसी दिन इज़राकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हज़रत खदीजतुल कुबरा रज़ियल्लाहु तआला से निकाह फरमाया था। इसी दिन कूफी फरीक़ानों ने नमाज रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और जिगर गोशा फातिमा रज़ियल्लाहु तआला अन्हा को मैदान करबला में शहीद किया गया था और इसी दिन क़यामत भी कायम होगी।